वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कल के गिव अवे ब्लॉग का जो विनर है, बाद में पता चला कि वो मेरी नेबर है, मेरी प्यारी सी नीस है। तो अभी वो आउट ऑफ सिटी है, जब वो आएगी तो मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दूंगी अपने फर्स्ट टेक अवे का। एंड अभी हम जा रहे हैं पिकनिक के लिए। कहाँ जा रहे हैं कुन्नू? पिकनिक के लिए। तो चलो चलते हैं पिकनिक। रेडी नहीं हुई तो बुआ तो रेडी होती है दो मिनट में। नानी ने वायु को कर दिया रेडी, इसको शूज भी पहनाओ। चलिए चलिए इस पिकनिक पर चलते हैं। आ जाओ ध्यान, पहले से ही रेडी होके बैठा है। मैं आगे बैठूं क्या? नहीं मैं पीछे बैठ जाऊंगी, नहीं रहने दूं। कुन्नू कहाँ जा रहे हो बेटा? कुन्नू बताओ कहाँ जा रही हूँ? पार्क, पार्क में। कुन्नू को पता ही नहीं, पिकनिक जा रहे हैं हम। पिकनिक वायु, वायु बहुत पिकनिक पे जाते हो आप। अरे सब बन जाएगी। वायु तो शो गया है, वायु तो शो गया है बेटा। एंटर कर चुके हैं हम जवाहर पार्क। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बता दे। ये हम आए जवाहर पार्क में। जवाहर पार्क में इसकी भी एक स्टोरी है। बहुत डेंजरस स्टोरी है। अच्छा बताएंगे जब इसकी स्टोरी हम आपको पहुँच कर ये बताएंगे वहीं पे ऑन द स्पॉट। अपने पिकनिक स्पॉट पर कहाँ कहाँ पापा पार्क करने गए कार। आज कुन्नू मेरा बट्टू शायद सो गया है। सर इसका एक छोटा सा मैप इसमें बताया गया है पूरी डायरेक्शन। कुन्नू काउंटर सो चुका है, जब देखने का टाइम आया तो भाई आप छो गए। उनके देख के लग रहा है कि वो पिकनिक पर आया है। स्पार्क की शुरुआत है और बनी रहिए ब्लॉग में। अभी इस स्पार्क की एक खतरनाक सी हिस्ट्री भी बताई जाएगी आपको। मौसम आज थोड़ा ठीक है, पहले से गर्मी थोड़ी सी शांत हुई है। ये है गाइस जामुन का पेड़ और इस पे से जामुन नीचे गिर भी रहे हैं, आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ओह माय गॉड सच में यार, यार कितने खा लिए चीची। नहीं वो खाए खिलाए हुआ है, जामुन का पेड़ टूट टूट के नीचे गिरे हुए हैं जामुन। आइए गाइस आपको दिखाते हैं पिकॉक। पिकॉक आर्टिफिशियल रियल रियल भी है। सामने पिकॉक और ये मेरा मेरा पिकॉक छीनी निकल रहा है। ये रहा सामने सामने ये आम के पेड़ है। पहले यहाँ पूरा आम का ही बाग था, है ना? हाँ मतलब बहुत बड़ा बाग था। हाँ तो यहाँ ये हमारे घर के बहुत पास में ही है और एक छोटा सा, छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, हैव फन करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चे कहाँ पे चढ़ गए? छोड़ दिया भैया। हाँ अले ले ले टपक जाएगी आम की तरह टप। ये था आराम से घूम फिर के, फिर आपको बताऊंगी कि जवाहर बाग क्यों खास है मथुरा में। तो रिया आप बताएंगी कि जवाहर बाग क्यों खास है? ये जो पार्क है, मतलब ये जो है यूपी गवर्नमेंट के अंडर है, उसी ने बनवाया है। तो पहले एक आदमी था जिसका नाम है राम वृक्ष यादव, तो उसने गैर कानूनी तरीके से पूरी इस इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर रखा था। तो फिर मतलब कि 2016 में जो प्रशासन है यहाँ का वो आया इसको खाली करवाने के लिए। तो उसने मतलब कि बहुत, मतलब कि अपने लोग इकट्ठे करके उन पे मतलब हमला करवाया ये सब करवाया। तो उसमें जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनमें से किसी की मौत हो गई थी, तो ये एसपी वगैरह भी, हाँ डीएसपी एसपी थे, उन सब की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से केस बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गया था।
ये केस काफी हाईलाइटेड केस है, जवाहर हाँ। बाग केस, मथुरा डाल के आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। हाँ। तो ये सारी जो जमीन थी वो सरकारी जमीन थी जिसको हाँ, जिसपे गैर कानूनी तरीके से उसने कब्जा कर रखा था रामवृक्ष यादव ने। तो अभी ये फिर से सरकार के अंडर में आ गई और इसको एक बहुत बड़े पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। क्या बना हुआ है यहाँ पे? ओपन जिम है, बच्चों का प्ले एरिया है और एक गजीबो है। गजीबो शायद आपने नहीं देखा होगा। अभी आप आगे चलिए, ब्लॉग में बने रहिए। मैं गजीबो नाम पहली बार सुन रही हूँ यार, ये क्या होता है गजीबो? गजीबो कुछ नहीं, ओपन एरिया है, जैसे डॉम होता है ना ऐसे ही है उसका जो स्ट्रक्चर है बस। अच्छा, ये देखो हीरोइन, अब तो चश्मा चेंज कर लो, यहाँ पर ऐसा ही नहीं लगाते, अपना फैशनेबल वाला लगा लो, नजर नहीं आएगा। यहाँ सब बड़ा बड़ा है, नहीं यहाँ सब बड़ा बड़ा है, नजर आएगा। आपको बस यहाँ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अभी तक यहाँ पर आई नहीं थी। ये कांड तो मैंने सुना था 16 में, लेकिन कभी आई नहीं थी, तो बस ऐसे ही आई थी तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये इधर है ओपन जिम, मुझे तो बहुत जरूरत है इसकी। वायु करोगे क्या? रिया की अच्छी ड्यूटी लग गई है, ये वायु देख रही है कितना प्यारा प्यारा हो रहा है। हाँ मौसम बहुत अच्छा है, धूप भी निकल रही है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चलो उस साइड चलो, ये लोग तो सच में जिम कर रहे हैं, मतलब ऐसे मजाक मजाक समझ रही थी। हाँ जल सेवा, अगर घूम घूम के थक गए हैं तो पी लीजिए मीठा शुद्ध पानी। जल सेवा हाँ, निःशुल्क लिख रहा है। हाँ सामने एक गजीबो, पहली बार ये वर्ड सुना मैंने गजीबो। बैठने के लिए थोड़ा सा सिटिंग एरिया, हाँ गुम्बद। बच्चों यहाँ पे खेलो कूदो, बच्चों की मस्ती। और अभी मेरा बाबू तो हुआ ही नहीं इस मस्ती के लायक, आ जाओ आ जाओ। और इस तरीके से वो झूला, इस पर तो हम भी झूलेंगे। साथ वाली पीछे बैठी है। बस भी करो, अब उतर भी जाओगे, बच्चों की तरह बैठ गई उस पे, उतरो उतरो। नहीं उतर जाओ अब, ये क्या ऐसा फन होता है जापान में? नो, ये हमारे इंडिया का फन है। झूले और पार्क तो जापान में भी है, हर जगह है, लेकिन वो जो फन होता है ना वो यहीं पर है। बच्चों के एंजॉयमेंट, पूरा फुल ऑन मस्ती। अब क्या करोगी, पीटोगी? चलो चलो चलो, देखिए दिल तो बच्चा है जी। घर चले कुन्नु, घर चले। अरे अभी किसी का मन नहीं है, ये देखिए ये कौन था, ये पीछे गंदा बच्चा। चलो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हंस के दिखा दो, टुक 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 टुक। हाँ ये दोनों बच्चे सीसो करते हुए, कहा ना दिल तो अभी बच्चा है जी।
अब और क्या क्या है यहाँ इस अभी स्विमिंग पूल रह गया है और यहाँ पे एक बेल का भी पेड़ है, जो हम बेल का शरबत पीते हैं ना उसका भी पेड़ है यहाँ पे, अभी वो भी देखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, अभी ब्लॉग में अभी बहुत सारी मस्ती बाकी है। अच्छा, इसका एरिया कितना है, क्या एरिया ये है? कुछ 250 BA में बना हुआ है। ये तो बस छोटा सा ही पोर्शन है जो उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि बच्चों के लिए कर दिया, ओपन जिम बना दिया, वरना आगे चल के बस बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, पूरा बाग ही बाग था, इसीलिए इसका नाम जवाहर बाग रखा है। Now is time to go, Ayu. चलें घर। यहाँ पर पहले पूरा एक शहर बसा हुआ था, यहाँ पर सारी शॉप्स थी, मार्केट थी और पूरा एक सिटी इस जगह को बना रखा था। आप इसकी जानकारी यूट्यूब से लेते रहते हो, जवाहर बाग कांड मथुरा के, मथुरा का सर्च करेंगे तो यहाँ की हिस्ट्री आ जाएगी। इवन उन्होंने अपने अलग से नोट तक बना रखे थे। सूरज ढलने जा रहा है और मौसम बहुत प्यारा हो गया है। हम चलाए शाम का वक्त, दोपहर के टाइम आए थे और बच्चे यहाँ कर रहे हैं स्केटिंग, काफी वहां तक है दूर तक स्केटिंग कर रहे हैं। इसको स्टंट आता है स्केटिंग का, कोई स्टंट करता है ये स्केटिंग का? अच्छा, आगे और भी कर रहे हैं ना बच्चे, वहां तक है। यहाँ बन रही है रील्स, बच्चू टिक टिक। ये है पेड़ चढ़ने वाला, इस पेड़ पर चढ़ने में बहुत मजा आएगा, इस पेड़ पर मैं यहाँ तक चढ़ सकती हूँ। ये यहाँ पर ये बोर्ड है जो कि बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, इसमें हेमा मालिनी का भी नाम लिख रहा है, श्रीमती हेमा मालिनी। हाँ, जो यहाँ की सांसद है। सांसद कितने रुपीज में बना रही है? 1,593 लाख रुपीज में ये बना है। अब खाते हैं आइसक्रीम। देखिए गाइस, हो रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम पार्टी भाई, मेरी तो दे दो एक, मेरी तो दे दो मुझे, ये लो। चलो टुक टुक, आपको तो नहीं मिली। चलो अभी थक गया बहुत, चलो घर चलो। आइसक्रीम खाएगी बट्टू, आइसक्रीम खाएगी नहीं, पहले बट्टू बाबा जी खीर खाएगी, फिर आइसक्रीम खाएगी, पहले बाबा खीर खिलाएंगे फिर आइसक्रीम खाना। तो चल रहे हैं आप घर के लिए, और यहाँ पैक किए जा रहे हैं घर के लिए गर्मा गर्म समोसे, क्योंकि घर फन और मस्ती करके हवाई सो चुका है अपनी मामी के साथ। वाह, ये जस्ट मेरे घर के सामने रहती है, तो आ चुके हैं घर, और मम्मी का शाम का दिया भी तुलसी का जल चुका है। लोग में आने से तो पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं, छुप जाते हैं। तो गाइस, मेरे यहाँ भगवान जी भी खाते हैं समोसा, चलिए भगवान जी का भी समोसे का भोग लगा देते हैं। दिए जल के आरती हो चुकी है, लो भगवान जी खा लो, सुबह देखूंगी खत्म कर देना पूरा। आपसे कहा था कि मुझे ठाकुर जी का भी रूटीन दिखाना है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल आपको ठाकुर जी का भी रूटीन दिखा सकूं। तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं एंड, मिलती हूँ कल फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नहीं भी अच्छा लगा हो तो फिर भी सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। बाय बाय।